वाटिका सर ने क्वेश्चन चालू कर दिया था क्या? इधर देखिए सर लोग, मैंने आपको बताया था कि अस्थिर में जब अपन रफ्तार देते हैं तो उसके तीन पार्ट हो सकते हैं। क्या वो पूरा वर्टिकल सर्कल कर सकता है? सर आवाज नहीं, वो पूरा वर्टिकल सर्कल, पूरा वर्टिकल सर्कल कर सकता है, पेंडुलम की तरह कर सकता है, और क्या बीच में सांस भी छोड़ सकता है? मैंने आपको पूरी बात बताई थी कि अगर पूरा वर्टिकल सर्कल कर रहा है तो नीचे से लेकर ऊपर जाने पर टेंशन घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। अगर आप इसे मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, कहां पर टेंशन जीरो नहीं हो सकता? ए से बी में टेंशन जीरो, क्या बी से सी में हो सकता है? अगर पूरा वर्टिकल सर्कल करना है तो टेंशन हर जगह जीरो से ज्यादा होना। हमने बोला उस वाले पॉइंट को ढूंढ लो जहां पर टेंशन मिनिमम हो, अगर वहां पे भी जीरो से ज्यादा हुआ तो क्या बाकी सब जगह जीरो से ज्यादा होगा? क्या इस पूरे भाग में सबसे मिनिमम टेंशन कहां होता है? टॉपमोस्ट पॉइंट पर। तो क्या हमने कंडीशन लगाई टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू? अरे नहीं आया। अच्छा मैंने आपको टेंशन का एक फॉर्मूला भी लिखा दिया था डायरेक्ट, बताओ लिखा रखा था ना, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस प्लस 3mg cos थीटा। क्या हर जगह टेंशन आ रही थी इसे? yes, टेंशन निकालने के लिए हमने दो इक्वेशन यूज करी थी, एक तो फोर्स की करी थी, दूसरी क्या एनर्जी कंजर्वेशन करी थी। yes, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो याद हो जाना चाहिए, तो अपन लिखा था टेंशन का फॉर्मूला क्या था, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg प्लस 3mg। याद है भूल गया है? हर जगह टेंशन आती थी, थीटा कहां से लिया था? नीचे वाले वर्टिकल से। कहां से लिया था? फिर मैंने आपको बताया था ठीक है भैया, तो हमने जब प्रूव करा तो हमारी वैल्यू आई थी रूट फाइव आर जी। कितनी आई थी? अगर रूट फाइव आर जी से ज्यादा रफ्तार होगी तो क्या पूरा सर्कुलर करेगा? वरना पूरा सर्कुलर आप घर जाके देखते भी नहीं हो यार, पूरा सर्कुलर वरना नहीं करेगा। रूट फाइव आर जी से ज्यादा होगी तो अब मन में कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? अगर रफ्तार रूट फाइव आर जी से ज्यादा है तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन और स्पीड निकालना बड़ी बात नहीं है। क्या अपने स्पीड के लिए भी एक फॉर्मूला लिख लिया था? क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। हालांकि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों डायरेक्ट निकल के आ रहा था सब कुछ यार, तुम्हें नहीं आया। तो किसी भी पॉइंट पे अगर यू बताओ और बी निकालना हो तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन करते थे। क्या करते थे? अभी तुम पढ़ के नहीं आए यार। फिर रूट फाइव आर जी पे भाई, रूट फाइव आर जी ज्यादा है तो मैं टेंशन यू सब निकाल सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि अगर हमने देखा कि अगर यहां से रफ्तार दें और यहीं पे रुक जाए तो इट विल डू लाइक अ पेंडुलम। तो जब यहां पे रफ्तार दें, जस्ट यहां पर पहुंचेगा तो रफ्तार आई थी रूट आर जी, सॉरी रूट टू आर जी। रूट टू आर जी का मतलब अगर रफ्तार रूट टू आर जी से कम है तो इट विल डू लाइक अ पेंडुलम। तो पेंडुलम की तरह करेगा, कैसे करेगा? पेंडुलम की तरह। अब बात आई थी भाई साहब, अगर रफ्तार रूट टू आर जी से रूट फाइव आर जी से नहीं आया तो क्या ये कहीं ना कहीं साथ छोड़ेगा? साथ वहां छोड़ेगा जहां रफ्तार जीरो होगी टेंशन, टेंशन जीरो ही थी, कॉस थीटा इक्वल टू 3g सॉरी 2gr माइनस u स्क्वायर बाई 3gr। तुम्हें नहीं आया? क्या आया था? 2gr माइनस, अरे देख देखो यही लिखा है था ना, कॉस थीटा इक्वल टू u स्क्वायर माइनस सॉरी 2gr माइनस u स्क्वायर बाई, ये थीटा कहां से? नीचे। नहीं आया? आया नहीं आया, आया। तो किस जगह पे साथ छूटेगा? ये मैंने आपको एक सवाल भी कराया था शायद, कराया था कि नहीं कराया था, किस साइड पे छूटेगा, जब छूटेगा तो क्या रफ्तार होगी और ये क्या होगा और वो क्या होगा, ये सब बातें मैं आपको करा रहा था। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए, क्या चीज? चलो डेटा ले लेते हैं, कोई भी डेटा लेते हैं, जो तुम बोलोगे डेटा ले लूंगा। अच्छा सर तुम क्या? चलो पहले एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां पे यू क्या हो? ये ऐसे है, आर की वैल्यू 1 मीटर ले लो, ये 1 kg ले लो, बताओ यू क्या है? कि इस जगह 37 डिग्री पे टेंशन जीरो हो जाए, बताइए। पहले सवाल बताइए, बताइए यू क्या हो कि 37 डिग्री पे ऊपर टेंशन जीरो हो जाए? अबे डायरेक्ट फोन लगा रहे हैं, क्या करा रहे हो? क्या cos 180 माइनस 37 इक्वल्स टू 2gr 2 इनटू 10 इनटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई
टू थ्री इंटू टेन इंटू वन, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैंने करा क्या है? क्या मैंने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट? व्हाट इज कॉस 180 माइनस 37? माइनस कॉस 37 दैट इज क्या? माइनस 4 बाई 5 इक्वल्स टू 20 माइनस यू स्क्वायर बाई 30. 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, माइनस 24 इक्वल्स टू 20 माइनस यू स्क्वायर. यू स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी? रूट 44. अबे तुम्हें आया ही नहीं, तू आ गया पता नहीं कहीं होगा तो. अरे यू की वैल्यू कितनी आई? अरे कभी तो हाँ ना बोलो. यस सर. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. आया कि नहीं आया? आया. अबे मैंने फॉर्मूला लगाया तुम्हें समझ ही नहीं आया है. अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो क्या अपन बेसिक से कर सकते हैं? पर फॉर्मूला अगर रख लोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आराम रहेगा. अगर तुमसे नहीं हुआ ये तो यू के लिए रूट 44. अगर यू देखिए क्या रूट 5 आरजी से कम है? क्या रूट 5 आरजी से कम है? रूट 5 आरजी रूट 50 होगा. और क्या रूट 2 आरजी से ज्यादा है? मतलब इसका टेंशन जीरो होना जरूरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. अब सवाल वास्तविक सवाल ये नहीं था. सवाल पता कैसे आएगा कि इफ यू इज रूट 44, इफ यू इज रूट 44, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट. Find out the maximum height of the particle. मान लीजिए, मैं इसी सवाल ध्यान सुनना. इस सवाल को मैं ऐसे पूछता, ध्यान से देख, मिलके करते हैं पहले वाला सवाल. देखो सब लोग, यही बनाता हूँ. मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाए कि ये, मान लीजिए आपको यही सवाल ऐसे देता कि भाई 1 meter है, 1 kg है, ये रफ्तार रूट 44 है, और सवाल पूछता find Hmax of particle. Find maximum कितनी height तक जाएगा? क्या particle maximum पूरा circle कर पा रहा है क्या? इसका मतलब ये 2 meter तक जाना possible? नहीं है. भाई ये 1 meter है तो ये 1 meter तो 2 meter तक जाना possible? नहीं है. तो height maximum height होगी क्या? अच्छा जब बच्चे को root 44 दिया था उसने सोचा root 44, उसने ध्यान से देखा रूट 44 रूट 50 से कम है, रूट 20 से ज्यादा है, मतलब इसका सर्कल छोड़ना तय है. मतलब इसका सर्कल छोड़ना. अब वो सर्कल छोड़ने का किस जगह छोड़ेगा उसके लिए फॉर्मूला लगा देगा cos थीटा इक्वल्स टू 2gr माइनस u स्क्वायर बाई 3gr. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. जब वो फॉर्मूला लगाएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 37. कितनी आएगी? 37. अरे अभी अभी यही तो कराया. कितनी आएगी? तो उसे दिख जाएगा कि भाई साहब यहां से 37 डिग्री पर यहां से पार्टिकल इसका साथ छोड़ देगा. और उसकी रफ्तार कितनी होगी निकाल सकते हैं? Yes, sir. पार्टिकल इस समय साथ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा. किस चीज का साथ छोड़ देगा? सर. अब टेंशन डिली हो गई है. टेंशन अब ध्यान से देख. अगर आप बहुत ध्यान से तो ये 37 तो ये 53 तो ये एंगल कितना? 37. अच्छा ये रफ्तार भी. अब टेंशन नहीं है तो पार्टिकल पर क्या फोर्स लग रहा है? mg. अगर टेंशन mg मतलब टेंशन जीरो है सिर्फ mg लग रहा है तो इट विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल पाथ. जब पार्टिकल सर्कुलर छोड़ता है तो कौन सा पाथ लेगा? कौन सा लेगा? देगा रिस्पांस कौन सा लेगा? प्रोजेक्टाइल. ओ तो ये v 37 डिग्री है hmax. वो अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? अब देख ध्यान से. ये अपना v, ये अपना 37. पहले तो v निकाल लो. v निकालने का सिंपल तरीका क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन. अरे अभी लिखा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस. नहीं याद रखना, बाद में सिंपल तरीके से करते हैं. क्या ये 1 मीटर है? क्या ये दूरी 1 cos 37 क्या 4 by 5 है? तो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्वड है. तो लिखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी. यार तुम्हें पढ़ाने में मजा कम आने लग रहा है. तुम तो बेसिक बात भी नहीं बोल पाते. ऐसे कैसे मजा आएगा बताओ मेरे को? मतलब इतना बेसिक गोल होगा तो फिर मेरे जैसे टीचर की कोई जरूरत? मतलब मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, मतलब बोथ ऑफ अस आर वेस्टिंग अवर टाइम. प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज. अगर आप बिल्कुल ही बेसिक गोल कर लोगे तो फिर मेरे जैसे टीचर की आपको कोई आवश्यकता? तो बोर्ड ही पढ़ना है तो फिर क्या लॉजिक है? देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग. क्या तू भी अपना टाइम खराब करेगा? मैं भी करूँगा. मतलब बिल्कुल ही घर से नहीं पढ़ के आओ तो कोई लॉजिक नहीं है भाई. और मतलब बिल्कुल 100% गधे जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हो उनको मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है. प्लीज सुन के बुरा लगे पर पढ़ के आएंगे. अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल बिना पढ़े मैं आपको समझा पाऊंगा, आप कुछ भी नहीं पढ़ के आओगे मैं समझा पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा.
मिनट आज क्लास में चले गए पुराने फॉर्मुले रिवाइज कर, तुम्हें टिप्स में नहीं होने चाहिए फॉर्मुले। हमसे पूछा गया एच मैक्स क्या ये दूरी 1 ये 4/5 भी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी 1 × 10 × 1 + 4/5 = 9/5 प्लस हाफ इंटू 1 × 20। नहीं यार फॉर्मूला क्या बेसिक आता है? यस सर। कोई बुरे वाली बात नहीं है, बस सिंपली हमने लिख दिया। अब देखो ये हो गया 22, ये हो गया 18, 22 में से 18 गया 4, 4 × 2 क्या बी के लिए 2√2 कितनी आई? 2√2 एक बात क्लियर हो गई, रखता रहा 2√2 ठीक है। सवाल नहीं कॉन्सेप्ट सिखा रहा, ये भी पता पड़ गया कि अब टेंशन जीरो है। टेंशन क्या है? जीरो। और पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रहा है क्योंकि ये 37, ये 53, ये 37। क्या पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल? क्या प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री? यस सर। एक बात और, अच्छा पार्टिकल इस आर्क से ऊपर निकलेगा कि नीचे रहेगा? एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो पार्टिकल है ये इस सर्कल के जो सर्कल हो सकता था उससे ऊपर निकलेगा नीचे? ऊपर नीचे? ऊपर कैसे जा सकता है? स्ट्रिंग जोड़ के थोड़ी चला जाए, ऊपर कैसे जा सकता है? क्या नीचे ही होगा? अरे हाँ ना बोल, रस्सी तोड़ के थोड़ी चला जाएगा, मुझे लगा है तुम्हें आया। तो ये जो प्रोजेक्टाइल बनेगा ये कहाँ रहेगा? ये ऐसे प्रोजेक्टाइल, ये सिमेट्रिक हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अभी प्रोजेक्टाइल करा, मुझसे एच मैक्स पूछा, तो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट 1 है, 1 + 4/5 है कि कुछ और जोड़ना पड़ेगा? क्या वो प्रोजेक्टाइल वाला? यस सर। क्या प्रोजेक्टाइल वाला एच मैक्स है? यस सर। क्या उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? क्या UI²/2G? क्या U²sin²θ/2G कोई बुराई नहीं है? इसमें यू रूट 44 है कि 2√2 है? अरे तुम्हें नहीं आया, तो एच मैक्स जो मेरा और यहाँ पे आया वो क्या आया? तो मेरा एच मैक्स आया 2√2 का होल स्क्वायर, U²sin²θ(sin²37). अरे नहीं आया भाई, 2 × 10। अरे तुम्हें नहीं आया, ये हो गया 8 sin square 37 की वैल्यू, यानी कि 3 × 3 = 9। अरे सही बोल रहा ना यार, 20 × 25 मार लो जितना मर रहा हो, नहीं मर रहा हो बाकी देखो, 8 से मारो इसको तो ये बचा 4, ये कितना हुआ 10, तो ये 2, ये 5, 5 × 25 = 125, 18/125। तो जो मेरा एच मैक्स नेट आंसर है वो क्या है? वो है 1 + 4/5 + 18/125। 125 एलसीएम लीजिए, 125 लीजिए, 5 × 25 = 5, 25 100, 100 + 18 कोई बुराई नहीं, 225 + 18 = 243 243/125 तुम्हें नहीं आया। बेसिकली समझ में आना चाहिए उसके बाद वो क्या करेगा प्रोजेक्टाइल। आप सोचो ये पढ़ने के लिए आपको 3 चैप्टर आने चाहिए, कुछ टफ नहीं है ये, टफ नहीं है, आपको 3 चैप्टर आने चाहिए, सर्कुलर, वर्क पर एनर्जी, प्रोजेक्टाइल। एक भी नहीं आएगा ये नहीं कर सकता, एक भी नहीं आएगा ये कर पर है बेसिक बिल्कुल, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सर्कुलर छोड़ा कौन सा पार्ट? प्रोजेक्टाइल। कुछ भी पूछ, कहां गिरेगा, कहां टकराएगा, चल कुछ सोच के देखते हैं ये कहां जाएगा, क्या रेंज, मान लीजिए यहां जाएगा, यहां तक की रेंज पूछ रहे, क्या बन कर सकते हैं? यस सर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया। अब उतार और कुछ समझ नहीं आया भैया, कुछ मन में फील होनी चाहिए कि अगर एक बार सर्कल छोड़ेगा तो फिर कौन सा पाथ लेगा, और क्या प्रोजेक्टाइल मुझे सॉल्व करना आता है? कंडे में बहुत सारे सॉल्व कराए जा सकते हैं, या कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अरे पक्की बात, पूछा जा सकता है आपको भाई सर्कल, सर्कल के बाद प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये वो याद है, भूल गया भाई को x²/2u²। एक बार बहुत पहले आपको ओलंपियाड में एक सवाल आया, मैं बताता हूँ, उन्होंने ऐसे बता रहा हूँ टाइम पास नहीं, जरूरत नहीं बहुत ज्यादा, उन्होंने क्या करा ऐसी रफ्तार दी, उन्होंने बोला कि हमने ऐसी रफ्तार दी कि पार्टिकल वापस ओरिजिन से क्रॉस करा, मैक्सिमम बच्चे तो समझ नहीं पाए ओरिजिन से कैसे क्रॉस कर जाए, ध्यान समय उन्होंने क्या करा, उन्होंने पार्टिकल ऐसे फेंका
पार्टिकल को ऐसे फेंका और बोला कि भाई साहब ऐसे फेंका गया और बताओ कि बताओ क्या हो क्या रफ्तार हो कि वापस ओरिजिन को क्रॉस कर जाए। ओलंपियाड का सवाल है, मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाए ऐसा हो कैसे सकता है। आपको ये फील करना पड़ेगा कि ऐसा तब हो सकता है कि ऐसे जाए बीच में कहीं सर्कुलर पाथ छोड़ दे। अगर यहाँ मान लीजिए छोड़ दिया तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ यहाँ से ऐसे गिर जाए। ये कंडीशन लगा ली थी अब तो वो मैथ्स थी बाकी सब बात, पर ये बात समझ आनी चाहिए। नहीं आया नहीं आया, अरे हो सकता है ना ऐसा। ये कंडीशन पे उन्होंने सवाल पूछ दिया था, उन्होंने डेटा डेटा दिया और उन्होंने बोला कि बताइए यहाँ पे क्या रफ्तार हो कि पार्टिकल वापस ओरिजिन से क्रॉस कर जाए। तो आपको समझ में आना चाहिए था कि कहीं ना कहीं साथ छोड़ेगा, फिर उसकी ये वाली दूरी आर होनी चाहिए। बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ओरिजिन सेटिस्फाई कराना था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या सेटिस्फाई कराना था यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब उसके लिए प्रोजेक्टाइल आना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, आपको सर्कुलर की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, वर्क एनर्जी पता होना, कुछ भी मैच ऐसा नहीं सवाल नहीं आएंगे, सवाल बहुत सारे आ सकते हैं पर कॉन्सेप्ट यही है। मेरे को क्यों डर नहीं लगता वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, क्यों नहीं लगेगा मुझे पता है, इसलिए नहीं लगेगा वास्तविकता में कि मुझे पता है भैया मुझे वर्क एनर्जी आती है, मुझे सर्कुलर मोशन आता है और मुझे प्रोजेक्टाइल आता है। आता है तो कुछ भी अटकने वाला नहीं है। बाद में मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आता बताता हूँ। हालांकि आपने इंटर पढ़ा नहीं, अभी आप पढ़ोगे कोलिजन। Yes, sir. क्या पढ़ोगे? अब कोलिजन सोचे से पेंडुलम अटका दे, बोले एक बॉल इधर आई yes, इससे टकराई, बताओ कितना ऊपर जाएगा। अरे क्या टकराने के बाद बीच में कोलिजन के फॉर्मूले आने चाहिए, इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक नहीं आया, मेरे को नीचे भी प्रोजेक्टाइल मिलाना हो मैं यहाँ से पार्टिकल को फेंक दूँ, पांच क्या प्रोजेक्टाइल यहाँ पे टकरा सकता है yes, फिर ऐसे सर्कल में जा सकता है yes, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। कुछ भी बन सकते हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है। कुछ नहीं करा मैंने, हॉरिजॉन्टल में चक्का घुमाया कैसे ऐसे और मैंने बोला ये आदमी जो ये ऐसे ऐसे कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, मैंने बोला ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, ऐसे ओरिजिनल में घुमा रहा है। पर ट्रक कैसे जा रहा है ऐसे, जिस ट्रक पे वो खड़ा है वो कैसे जा रहा है ऐसे, यार मुझे लगा है तुम्हें आया। तो इस आदमी के लिए इस पूरे सिस्टम पे के एमए पीछे लग जाए तो एग्जैक्टली वही सवाल है जैसे एमजी है, एमजी की जगह क्या हो गया, क्या हो गया, सोच ऐसे सर्कल कर रहा हूं एमए किधर, तो सोच यू रूट फाइव आरजी की जगह क्या लिखेंगे, रूट फाइव आर ए, यार तुम्हें नहीं आया, वही तो कहानी है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस, इसको और अच्छे वर्जन कराऊंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्स्टेंट फोर्स क्यों हुई, कॉन्स्टेंट फोर्स रोटेशन के बाद आएगा तब यही बात करेंगे, तो लगे हाँ यार नॉर्मल बात जो कर रहे हैं, इसमें कोई खास बात कोई प्रोजेक्टाइल में घुसा देंगे वही सब कुछ कर देंगे, कुछ घुसाया के लिए और कराऊंगी क्लैरिटी है। अगर सर्कल साथ छोड़ेगा तो कौन सा पाथ लेगा, प्रोजेक्टाइल, मुझे वर्क एनर्जी सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल आता है यस और नो, आता है तो सवाल हो जाएगा, आता है तो सवाल, डरने की आवश्यकता नहीं है। और कई प्रकार के सवाल है जैसे सुन ले उतारना मत, क्योंकि हर एक सवाल पांच पांच सात मिनट खा सकता है, आप सुन लो अच्छे से, शीट वीट सब जगह मिलेंगे तुम्हें, बस प्रैक्टिस ढंग से करना। कभी कभी क्या करते हैं जैसे मान लो ऐसे अपन यहाँ से ध्यान से मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल ऐसे है मास m लेंथ l, यहां से आपने छोड़ा, अब क्या हुआ जहां से आपने छोड़ा ना, जहां से आपने छोड़ा वहां से वर्टिकल में आएगा कि नहीं आएगा, यहां से छोड़ा वर्टिकल में आया, यहां पे क्या हुआ एक पैक लगा दिया, पैक मतलब कील, बोलो क्लियर है। जब यहां के टकराई की रस्सी तो अब क्या ये सेंटर हो जाए और रेडियस ये रहेगा कि अलग, क्या हो सकता है जब अगर मैं इसे सिंपली छोड़ देता और यहां कील नहीं होती, यहां कील नहीं होती तो सोच एक मिनट कोई आईकार्ड निकाल लेना, ऐसे कील नहीं होती तो क्या पूरा वापस ऐसे यहां तक आता और ऐसे ऐसे करता रहता, ऐसे ऐसे बोलो क्लियर। पर अगर ये यहां से लेकर यहां पर अटक गया तो क्या हो सकता है सर्कल कर ले पूरा, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे कर लेते हैं ध्यान से, अरे
ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स क्या है। क्योंकि यहां से जब आपने छोड़ा तो यहां पे रफ्तार होगी रूट टू जी एल। क्या होगी? क्या ये रूट टू जी एल इस आर का रूट फाइव जी एल से ज्यादा होनी? That's it. यार तुम्हें नहीं आया। अब अगर मेरे को बताओ यहां से छोड़ोगे तो यहां पे रफ्तार कितनी होगी? ये सबको समझ आता है? अगर ये रूट टू जी, मान लीजिए दूरी एक्स है तो ये दूरी कितनी है? तो यहां पे सकल करने के लिए क्या ये जाना होना चाहिए रूट फाइव जी एल माइनस एक्स। कंडीशन ऑन एक्स आ गई। कंडीशन ऑन यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर ऐसा होगा तो ये पूरा सर्कल करेगा वरना पूरा सर्कल नहीं करेगा। और क्या करेगा हम भी देख सकते हैं। अगर इससे कम हुई तो क्या सर्कुलर छोड़ सकता है? यस सर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो सवाल बनने की कोई सीमा नहीं है। खूब सवाल बन सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात चमकी है? सन्नाटे में हो? अरे पक्की बात? यस सर। ये चाहो तो थोड़ा सा उतार लो, तुम्हें याद रह जाएगा मैंने क्या बोला। और देख, और छोटी छोटी बातें करते देखिए। आइए, मैं बढ़िया तुम भी बढ़िया, चल भाग जाऊं सांवरिया। चाय पियेंगे आप लोग? मान लो मैं एक सेटअप लू, कैसा? समझना, डरना मत, उतार लिया नहीं? अरे सबको समझ आया है? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? करके बताऊं कि समझ आ गया है? आ गया। अरे पक्की बात? यस सर। है ना, एक आई कार्ड दे, दिखाई देता हूँ, उनका कोई भरोसा नहीं। मैंने तुमसे आई कार्ड मांगा था ना, निकाल रखा था। साला भव्य आंटी, अगर आपने निकाला नहीं होता ना तो आज जो है। बोलो भैया, मान लीजिए अपन यहाँ पे ऐसे उंगली रख लें और इसको रफ्तार दें। रफ्तार कौन देगा? तू उंगली रख ले, उंगली, हाँ ऐसे बस। ठीक, अब ऐसे रफ्तार दें, यहाँ से मान लो छोड़ें तो क्या इसके अबाउट ये सर्कल कर सकता है? yes, क्या रफ्तार तेज तो क्या पूरा भी कर सकता है? yes, सर लगी तुम्हारे चक्कर में मेरे, समझ आया कि नहीं आया? कहाँ गया मैं? हाँ, और बात करते हैं। मान लीजिए सेटअप इस प्रकार का, देख ये अपना सर्कल, ये अपना ऐसे, ये अपना सर्कल ऐसे, देख। अब बेसिकली ये रिंग है। क्या है? रिंग। क्या है? रिंग। ये रिंग है, बहुत बड़ी। अगर ये रिंग है, इस रिंग में अंदर एक मास रख दो, पूछू कितनी रफ्तार चाहिए कि ये, मतलब ऐसे रहेंगे, समझ में आ रहा है? उसमें अंदर एक रख दिया, सब कुछ फ्रिक्शन लेस है। तो मुझे इतना बताइए कि इस पूरे सेगमेंट में कितनी रफ्तार दी हुई ये सर्कल कर ले पूरा, क्या गिर सकता है अंदर? अच्छा बोलो, इसमें अंदर की तरफ लग कौन सा रहा है फोर्स? नॉर्मल। कौन लग रहा है? क्या नॉर्मल जीरो भी हो सकता है? नॉर्मल जहां जीरो हो जाएगा क्या वहां सर्कल साथ छोड़ दे? फिर कौन सा पार्ट दे? तुमको नहीं लगता है सिचुएशन बिल्कुल वही है जो अभी पढ़ रहे थे? टेंशन सिर्फ अंदर लग सकती थी? yes, इसमें भी नॉर्मल सिर्फ के अंदर लग सकता है? yes, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बाहर की तरफ नॉर्मल लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर की तरफ कोई भी रिंग, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग है, ये सिर्फ इसको अंदर की तरफ नॉर्मल लगा सकती है? अंदर बाहर की तरफ लगाना पॉसिबल नहीं है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तुम अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि इसकी कितनी रफ्तार चाहिए कि पूरा सफर कर सके, क्या आंसर होगा रूट फाइव आर जी? सेगमेंट को पढ़ाऊंगा नहीं मैं, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? तो एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ नॉर्मल की जगह कौन आ गया? टेंशन, सॉरी टेंशन की जगह कौन आ गया? कौन आ गया? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे पक्की बात? अरे सोच लो, कोई दिक्कत? अरे पक्की बात? अभी बुझ ले, मैं सुन बोल रहा हूँ, लिख लो अपनी भाषा में। हाँ भाई, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, चल अपनी भाषा में लिखें कि ये बिल्कुल वैसी ही फॉर्मेट है जैसी कि भी हम पढ़ रहे थे, सिर्फ टेंशन की जगह क्या जाएगी? नथिंग एल्स। इसलिए अगर रिंग के अंदर मास रख दो तो क्या बिल्कुल वही है जो भी हम पढ़ रहे थे? एग्जैक्टली लिख लो, खत्म करो इस बात।
कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, अभी जो हमने स्ट्रिंग ली, क्या ली? उससे आसान केस आने वाला है, बच्चा डर जाता है, डरने वाली बात, उससे आसान कैसे सुन कैसे? अगर आपने स्ट्रिंग ली तो स्ट्रिंग क्या स्लैक कर सकती है? स्ट्रिंग कभी भी बाहर की तरफ फोर्स, जैसे कि इसमें नॉर्मल बाहर की तरफ लग नहीं सकता। अब सोच अगर मैं मासलेस रॉड ले लूं, क्या ले लूं? क्या ले लूं? अगर मैं मासलेस रॉड ले लूं तो मासलेस रॉड में खास बात यह है, मैं स्ट्रिंग नहीं लूंगा बांधने के लिए, मैं स्ट्रिंग नहीं लूं। अब मैं सर्कल कराने के लिए मासलेस रॉड ले लूं, सर्कुलर विद मासलेस रॉड, स्ट्रिंग के साथ नहीं। अभी जो आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा वो किसके साथ था? अब हम बोल रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर विद मासलेस रॉड, सिंपल है, कोई खास बात नहीं, उससे आसान होगा, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कैसे। मान लीजिए आपने रॉड ले ली, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ये रॉड है मासलेस, इसमें आपने रॉड और स्ट्रिंग में क्या टेंशन है? अरे टेंशन वाला टेंशन नहीं, क्या डिफरेंस है? मासलेस रॉड स्लैक, क्या रॉड इस मास पे अंदर फोर्स लगा सकती है, बाहर या दोनों तरफ? जरूरत होगी तो अंदर भी लगा देगी, जरूरत होगी तो अगर ये मासलेस रॉड या मास लगा दूं तो इस पे बाहर फोर्स लगा सकती है अंदर या जैसी जरूरत है? एक बात तो तय हो गई कि पार्टिकल अगर चलेगा तो चलेगा सर्कुलर आर्क में। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अगर रॉड है मैं थोड़ी सी रफ्तार दू तो क्या ऐसे ऐसे करेगा? yes, sir. थोड़ी और ज्यादा दे दू तो क्या शायद ऐसे ऐसे करेगा? yes, sir. पर कभी भी जाके गिर नहीं, क्योंकि रॉड है तो कभी भी स्लैग होना पॉसिबल yes. स्लैग होना पॉसिबल नहीं तो क्या चलेगा? तो सर्कुलर आर्क में चलेगा। अब पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द यू मिनिमम, यहाँ पर क्या मिनिमम रफ्तार हो कि पूरा सर्कल कर ले। अब सर्कल करने के लिए टेंशन का लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है, अब तो बस इतना होना चाहिए कि इतनी रफ्तार हो कि ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो क्या अपने आप सर्कल कर दे? तुझे मेरी बात समझ आई? अरे आई कि नहीं आई यार? आई कि नहीं आई यार? क्या सबको फील आ रही? अगर अब यू मिनिमम कितना हो कि सर्कल कर ले, उसके लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या जीरो होना चाहिए टेंशन की स्पीड? इससे पहले जब हम स्ट्रिंग के साथ पढ़ा था तो यहाँ पर क्या मिनिमम होगा उसके लिए, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रही थी? अब क्या जीरो होना चाहिए? क्या जीरो होना चाहिए? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, स्पीड जीरो होनी बस सिंपल। अब क्या था यहां से लेकर अगर यू मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई? जीरो, जस्ट जीरो, जस्ट। ओहो हो, तो बोल यहाँ पे पढ़ेंगे जी प्लस हाफ एम यू मिनिमम स्क्वायर, नहीं आया, इक्वल टू यहाँ पे करने लगे जी जीरो पोटेंशियल जी, क्या टू एम जी आर एम ने एम को, क्या यू मिनिमम के लिए रूट फोर जी आर, शायद कभी सुनी हो हाँ ना बोले यार। अगर रॉड के केस में आपको पर्टिकुलर सर्कल करना है तो क्या रूट फाइव फोर जी आर से रफ्तार ज्यादा होनी? अगर इससे कम हुई तो क्या होगा? क्या सर्कल छोड़ देगा? सर्कल नहीं छोड़ेगा, क्या ऐसे ऐसे करेगा? लॉजिकली सोच, अगर रूट टू जी आर से कम हुई किससे तो क्या इसी पॉइंट से नीचे रह जाएगा? पर रूट टू जी आर से रूट फोर जी आर के बीच में आ जाएगी तो क्या ऊपर निकल जाएगा? पर फिर भी ऐसे करेगा नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि सर्कुलर तो कभी छोड़ नहीं सकता क्योंकि रॉड है, क्योंकि अगर पूरा वर्टिकल सर्कल करना हो तो क्या रूट फाइव फोर जी आर रूट फोर जी आर? तो ये वाला केस बहुत आसान होता है, लफड़ा ही नहीं है छूटने का, छूटने का उतार। फिर मैं और समझाता हूँ थोड़ा सा, क्या रॉड क्यों ऐसे नहीं लगा सकता? अगर ये यहाँ पे मास बांध दोगे और ये अंदर गिरना चाहेगा यहाँ से तो इसे संभाल नहीं लेगा ऐसे? अबे रॉड स्लैग नहीं हो सकती ना, तो अगर कोई उसके अंदर गिरना चाहेगा तो कहाँ लगाएगा फोर्स? बाहर, दो तरफ लगा सकता, स्ट्रिंग नहीं लगा सकती, स्ट्रिंग सर किधर लगाई? अंदर, बाहर नहीं लगा सकती वो, क्योंकि वो स्लैग हो सकती रॉड में कंस्ट्रेंट है, वो स्लैग नहीं हो सकती। मासलेस रॉड है ना, मास वाली रॉड पढ़ाई जाएगी रोटेशनल में, किसमें? तब पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन, वो कंजर्वेशन, अभी मासलेस रॉड है, ऐसा नहीं मास वाली रॉड भी पढ़ेंगे अपन। क्या कह रहा बेटा? हो तो सकता ही है, अगर रफ्तार रूट फोर जी आर से ज्यादा कर देगा तो भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा, वो तो होगा ही, पर रूट फोर जी आर कम से कम चाहिए कि पूरा ये सर्कल
कर सके, है ना? इससे ज्यादा चाहिए। चलो मैं तेरे को ऐसे ही फील कराता हूं, देखना ध्यान से। मान लो कि मासलेस रॉड है। क्या है? ध्यान देखना। मान लो कि मासलेस रॉड है और ये 1 kg है, और मान लो कि ये 1 meter है। मैं बोलूं तू धीर रफ्तार रूट 44। पहले मुझे ये बता, ध्यान सुनना, ऐसे पूछ रहा हूं बस। मासलेस रॉड है, 1 meter है, पहले तो सर्कल करेगा नहीं करेगा? पूरा सब लोग बोलो करेगा नहीं करेगा? रूट 4 gr से ज्यादा है काम? ज्यादा काम। सोचिए रॉड की जगह अगर स्ट्रिंग होती तो क्या साथ छोड़ देता? खैर ये समझ में आ गया, रॉड में तो करेगा क्योंकि क्या रूट 4 gr से? रूट 4 gr इज रूट 40। अब मान लो कोई आपसे पूछ ले, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर नॉर्मल ड्यू टू स्ट्रिंग या सॉरी नॉर्मल ड्यू टू रॉड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो जगह बताइए जहां पर नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर। ऐसा होगा क्या इसका? तू बहुत ध्यान से देख, अगर रूट 44 से फील करना उतार उतार मत छोड़, नहीं यूं फालतू टाइम पास खराब होगा। अगर रफ्तार रूट 44 है तो सोचिए अगर स्ट्रिंग होती तो क्या कॉस थीटा बराबर 2 gr माइनस यू स्क्वायर? ये डेटा मैंने अभी अभी लिया था, 37 degree पे साथ छोड़ रही थी। कहाँ छोड़ रही थी? मतलब तू ध्यान से देख, अगर ये स्ट्रिंग है तो 37 degree पर, कितने पर? 37 degree पर क्या टेंशन जीरो हो जाएगी? उसके बाद क्या नीचे गिरने लगेगा? मुझे टेल करना चाहेगा पर क्या इसे वापस रॉड संभाल लेगी? तो यहाँ से लेकर रॉड यहाँ तक क्या नॉर्मल ऐसे लगा रही थी? पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ऊपर लगाएगी? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, फील नहीं आई यार। अगर ध्यान से हो तो इंटर रिलेटेड है भाई। अगर स्ट्रिंग होती तो क्या कॉस थीटा बराबर यहां तक? क्या स्ट्रिंग संभाल लेती? पर स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में कलाकारी ये थी कि अंदर की तरफ तो टेंशन लगा सकती है पर वो बाहर की तरफ, पर रॉड में कलाकारी है कि बाहर की तरफ भी। तो इसके बाद अगर स्ट्रिंग होती तो क्या प्रोजेक्टाइल करता? प्रोजेक्टाइल करता तो सर्कुलर छोड़ देता। पर यहां पर रॉड है तो क्या नॉर्मल बाहर भी लग सकता है? तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक वो जगह होगी जब क्या नॉर्मल बाहर लगेगा, और यहां से लेकर यहां तक तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, उतारो मत, सिर्फ फील करो उस बात। ये फील आया कि नहीं आया या नहीं आया? मैं चल तेरे को एक और अच्छी बात बताता हूँ जो इसी तरीके के सवाल होते हैं, समझना अच्छे से। कैसे? ध्यान से देख। मान ले मैं तेरे को बोलू, देख मान ले मैं तेरे को बोलू कि ऐसे सिचुएशन है, 2 rings ले लो अंदर बाहर जिसमें है, और उसमें मास एम रख दो अंदर, उसमें मास एम रख दो अंदर, फंसा दो बस, जस्ट म्यू जीरो है सब तरफ, जस्ट अंदर और जस्ट बाहर। अब मैं फिर तेरे से पूछूं, बताओ यू मिनिमम क्या होगी पूरा सर्कल कर ले? अब एक्जेक्टली ये सिचुएशन है कि इसमें अंदर वाली रिंग भी है और बाहर वाली रिंग का, बाहर वाली का साथ छोड़ेगा तो क्या अंदर वाली संभाल ले? और अंदर वाली का छोड़ेगा तो वास्तविक जीवन से इसका कोई मेल जोल नहीं है भाई। बाहर वाली छोड़ेगी तो, और अंदर वाली छोड़ेगी तो? अरे हाँ ना बोल यार, फिर कह रहा हूं हमारा इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना? तुम्हें मेरी बात समझ? तो दीज प्रॉब्लम्स आर क्या एग्जैक्टली सिमिलर टू रॉड? नहीं आया, नहीं आया, फील आ रही है कि नहीं आ रही है? देख ले जो लिखता हूं, फील करा रहा हूं मैं ज्यादा आपको। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, चल भाग जाओ सांवरिया। और सुन,
तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों हैं हजारों हैं मगर तुम सा नहीं है। ध्यान से देखें, एक हेमिस्फीयर ले लो, क्या ले लो? क्या ले लो? ये दोनों बातें समझ आई ना? Yes, sir. मास्टर्स रॉड होगी, फंसी हुई रिंग होगी, क्या सवाल कर लोगे? Yes, इसमें हमें कोई टेंशन है? नहीं है। इधर देखा जाए, मान लीजिए कि हेमिस्फीयर है, फिक्स है। क्या है? हेमिस्फीयर है, फिक्स है। अब आप इस मास्टर को जस्ट छोड़ दो, जस्ट रिलीज, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यार बेकार रेस्पॉन्स, गिरेगा। किस जगह साथ छोड़ देगा? जहां क्या जीरो हो जाए, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया भाई। ये साथ गिरेगा, मतलब ये जस्ट छोड़ोगे तो गिरेगा, गिरेगा तो क्या रफ्तार बढ़ेगी? रफ्तार बढ़ेगी तो क्या नॉर्मल घटता जाएगा? और क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां नॉर्मल जीरो हो जाएगा, वहां पर ये इसका साथ? सबसे पहली बात हमें समझ में आना चाहिए कि साथ कहां छोड़ेगा, साथ कहां छोड़ेगा, निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आप ऐसे देखो, कुबाज 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 कुबाज, ये वो जगह मान लीजिए यहां साथ छोड़ दिया। मान लो एंगल थीटा है, ये ऐसे इसकी रफ्तार हो गई बी, क्या इधर बना नॉर्मल? क्या नॉर्मल के साथ बना एम वी स्क्वायर बाई आर? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इधर लगा एम जी, इधर क्या लगा? ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्या इधर हुआ? ध्यान से देखो तो क्या एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा? अगर साथ छोड़ना है तो क्या जीरो होना है? नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए। अगर साथ छोड़ना है तो क्या जीरो हो जाना चाहिए? तुम्हें समझ आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा? अरे बोलो, क्लियर है? नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, बी कैसे निकाले? एनर्जी कंजर्वेशन से। किससे? एनर्जी लगा नहीं तुम्हें आया? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये दूरी आर है, तो क्या ये दूरी आर कॉस थीटा है? अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो क्या आर वन माइनस कॉस थीटा है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो पर मान लूं तो क्या यहाँ पर यहाँ से पहले लिखना चालू करो, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस जीरो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? ये वही सर्कुलर की इक्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, दोनों आपको ढंग से आने चाहिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। देख आप एम बी स्क्वायर, क्या चीज तो यहाँ से एम बी स्क्वायर वैल्यू रख दे, यहाँ से क्या रख दे? एम बी स्क्वायर वैल्यू क्या है? टू एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। तो रखो टू एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा बाई आर इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, जहां पे साथ छोड़ेंगे एम जी ने एम जी को, आर ने आर को, कॉस थीटा के लिए वही टू बाई थ्री। अरे कभी नहीं आया। कॉस थीटा वो एंगल है जहां पर ये साथ छोड़ देगा। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? आया। प्राण प्रखेरू नहीं हुए, मुझे मिल रही हूं, मुझे आओ। कॉस थीटा इक्वल टू बाई थ्री कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान में अब सवाल बनने में कोई कमी नहीं, तो कुछ सोच। अच्छा एक बता, मेरे को पहले एक चीज बता, मैंने इनिशियल रफ्तार कितनी दे दी? सोच अगर मैं इनिशियल रफ्तार कुछ दे देता, क्या तू सवाल कर सकता? यहाँ पे सवाल तो कर सकता था। हो सकता है कॉस थीटा कुछ और आता, हो सकता है कॉस थीटा इसी क्वेश्चन में चेंज नहीं आता, पर क्या इसमें आता? क्या यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर आ जाता? सवाल कर सकता है ना? मैं आपसे बोलूंगी भाई, मैं आपसे मान लीजिए मैं आपसे सवाल बोलूँ, सिर्फ समझना अच्छे से। मान लीजिए आपसे बोलूँ कि पार्टिकल है, इसका रेडियस जो है 1 मीटर है, कितना है? मान लीजिए मैं आपसे बोलूँगी मैंने रफ्तार दे दी सपोज 1 मीटर पर सेकंड इनिशियल, बताओ कहाँ साथ छोड़ेगा? क्या तू सवाल कर सकता है पहले? क्या सब लोग निकाल सकते हैं किस जगह साथ छोड़ेगा? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सवाल बना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, मुझे लेटा सवाल बना। इतना आसान नहीं, कैलकुलेटर सुनाना, देख सुन, डर मत, सवाल सुन। मैं सलाह इसकी बजाय पूरा गोला ले लेता, डरना मत, गोला फिक्स है पर ऐसे सर्विस पे रखा हुआ। सिर्फ सुन सवाल, उतार मत, उतार मत, इस सवाल को निकालने 10 मिनट लग जाएंगे, बस सिर्फ समझे बात को, करना क्या है। मेरे सवाल बना कोई बड़ी बात नहीं, देख मान लीजिए मैं यहाँ से पार्टी को छोड़ू, मैं पार्टी को यहाँ से छोड़ू, मुझे इनिशियल रफ्तार जीरो लेते हैं, ठीक, रेडियस आ दिया हुआ या बंद दिया हुआ जो भी दिया हुआ, ठीक है।
ये फिक्स्ड है गोला। अब पूछो जाए सरफेस पे कहाँ टकराएगा, कौन? गोला नहीं, गोला तो फिक्स्ड है, गोला कहाँ टकराएगा, टकराया हो तो है और कूद कूद के टकराएगा। क्या ये पार्टिकल साथ छोड़ेगा कॉस थीटा बराबर 2/3 पे? क्या कॉस थीटा बराबर 2/3 अभी अभी सीखा? क्या उसमें रफ्तार क्या होगी, क्या वो भी निकाल सकते हैं? नहीं आया, आया। देख रफ्तार क्या हो जाएगी, ध्यान से देख, एम ने एम को बी के डिवाइड अंडर रूट ऑफ जी आर कॉस थीटा, नहीं आया, आया। अरे नहीं आया, आया। सोच रहे इसके बाद क्या करेगा, प्रोजेक्ट यार तुम्हें नहीं आया, आया। क्या करेगा? क्या ये हाइट तुमको पता है? हाँ। क्या ये 1 प्लस आर कॉस थीटा? यस सर। 1 प्लस आर कॉस थीटा 1 प्लस 2/3? यस सर। 1 प्लस 2/3? 1 प्लस 2/3 इज 5/3। क्या ये हाइट 5/3 आ गई? यस सर। क्या ये बी आपको पता है? यस सर। क्या ये एंगल कॉस थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। क्या ये साइड से पार्टिकल वैसे फेंका जाए क्या प्रोजेक्टाइल करता है? यस सर। कहां गिरता है तुझे आता है कि नहीं आता है? प्रोजेक्टाइल हो गया, बटिका सर्कल हो गया, मतलब वर्पर एनर्जी हो गया। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ आई? अब लुट्टा हो गया, उतारो मत, समझो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार। आपको जोड़ना आना आईआईटी जेईई एडवांस की सबसे सुंदर खास बात यह है कि उसमें आपको चैप्टर्स को कनेक्ट करना आना, उन्हें चैप्टर बाय चैप्टर से डरो मत कि वर्पर एनर्जी सर्कल मिला टफ हो गया। इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट। अरे सवाल यहां छूटा अब प्रोजेक्टाइल, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। एक इक्वेशन फोर्स की, एक इक्वेशन वर्क पर एनर्जी, फिर प्रोजेक्टाइल चालू। यस सर। अब यूं आए सब्जेक्ट में दिसंबर का सवाल आया पर है कुछ भी नहीं उसमें। यस सर। तुम्हें मेरी बात समझ आई? कोई आपको डरा दे, देखो ध्यान से कर ले जो भी पढ़ा रहा था, सर सुनना सवाल पढ़ना फिर मैं आपको कहता हूं मेरे लिए बड़ी बात, बिल्कुल नहीं है कुछ भी इसमें। देख ऐसे रिंग ले लो अभी जो कराया था, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ऐसे सब यही सवाल पूछूं, ये दो रिंग ले लूं जो भी बताई थी मास है, यू इक्वल्स टू जीरो छोड़ दो, जस्ट लीव, फाइंड आउट द पोजीशन व्हेन, यस समझो वो जगह बताओ जहां पर अंदर वाली की बजाय बाहर वाली संभालना चालू करेगी या बाहर वाली की जगह अंदर वाला संभालना चालू करेगी। अरे कॉस थीटा बराबर 2/3 जो है यार, कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बराबर 2/3 तक अंदर वाली ने संभाल रखा है, उसके बाद कौन संभालेगी? अरे ये सब लिंक्ड ही तो है, तुझे मेरी बात समझ आई? जब प्रोजेक्टाइल गिरना चालू करेगा तो ये संभालना चालू कर ले? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? इसलिए सवालों की कोई कमी नहीं है, फील आनी चाहिए कब कौन सा अपने हथियार लगाना है। आया, आया।, आया कि नहीं आया? आया। फील आई है सन्नाटे में गए पक्की बात, उतार लो जो फील आई हो, नहीं आई हो तो छोड़ दो। हम पूछ तुम्हारा वर्पर एनर्जी में काम पहुंचे,